ऐसा व्यक्ति जीवन में रोता ही रहता है। क्यों? कि उसके दिमाग में ख्याली पुलाव तो बनते रहते हैं लेकिन वो हार्ड वर्किंग नहीं होता। और अगर वो हार्ड वर्किंग होता भी है तो प्लैंड वर्किंग नहीं होता, और प्लैंड वर्किंग होता भी है तो एग्जीक्यूटर नहीं होता। सभी देशवासियों को नमस्कार। प्रायः हम एक दूसरे से पूछते हैं कि कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या होती है। हम एक दूसरे को बताते हैं कि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें आलसी नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे से बात करते हैं और अपने आप एक दूसरे से पूछते हैं कि भाग्य का निर्माता कौन होता है, यानी ये रोज के प्रश्न है। भाग्य का निर्माता बुद्धिमान होना, विवेकशील होना, समझदार होना, आलसी ना होना, लापरवाह ना होना, निकम्मा ना होना। तो हम ये कहेंगे कि ए पर्सन हु पजेसेस स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन, ए पर्सन हु possesses a strong will and firm determination, in true sense finds all difficulties and problems solved. जब मैं ये पूरा सेंटेंस कहता हूं तो मैं ये कहता हूं प्रॉब्लम्स क्या है, डिफिकल्टीज क्या है, सिचुएशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन, कंफ्यूज माइंडेडनेस ही तो है। और इन सब के अंतर में पीछे क्या होता है? जिस आदमी के पास विल नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है, उसके जीवन में क्लैरिटी हो ही नहीं सकती। क्यों? कि उसे डेंजर्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स सब में कंफ्यूजन ही रहता है, डाउट ही रहता है, और उसका कारण मेन होता है आइडलनेस, लेजीनेस, मेंटल इलनेस। ऐसा व्यक्ति जीवन में रोता ही रहता है। क्यों? कि उसके दिमाग में ख्याली पुलाव तो बनते रहते हैं लेकिन वो हार्ड वर्किंग नहीं होता, और अगर वो हार्ड वर्किंग होता भी है तो प्लैंड वर्किंग नहीं होता, और प्लैंड वर्किंग होता भी है तो एग्जीक्यूटर नहीं होता। तो निराश, उदास, हताश व्यक्ति झिझकता भी है, संकोची भी होता है, आलसी भी होता है, डरता भी है, घबराता भी है। तो सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क में हमेशा साथियों आना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अगर मैंने किया, हो सकता है काम हो या ना हो, लेकिन पहले से ही क्यों मान लूं कि नहीं होगा? और अगर मैं ये मान लूं कि कैसे नहीं होगा, तो जो नहीं होना वो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फेल्योर ही तो होगा, और उसके लिए आप पहले से तैयार हैं। तो इसलिए आप शाम, दाम, दंड, भेद सभी का प्रयोग करते हुए अपनी ऊर्जा का मैक्सिमम प्रयोग कर लेते हैं। और जो लोग
अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी एनर्जी का, अपनी पावर का, अपनी विगर का, अपनी बोल्डनेस का, अपने कॉन्फिडेंस का, अपने डिटर्मिनेशन का लेबोरियसली सिंसियरली उपयोग करता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है, वो बेटर होता है, वो यूजफुल होता है, और उसकी ये अनशेकन विल ही तो है जो उसे वहां तक पहुंचा देती है जहां तक उसने स्वयं भी उसकी कल्पना नहीं की होती। अचीवमेंट, प्रोक्योरमेंट, प्रिजर्वेशन, गेन, ये सब क्या है? ये भाग्य से नहीं मिलते भाई, ये कर्म से मिलते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो लोग ज्यादा मूर्ख होते हैं, वो लोग ज्यादा पागल होते हैं जो चाहते हैं कि उसको वेल्थ, उसको फेम, उसको पावर किस्मत से मिल जाए, लॉटरी खरीदे बिना ही करोड़पति होने की अपेक्षा करना, या किसी भी कंपटीशन में भाग न लेना और बैठे हुए काश कि मेरे पास ऐसा होता, पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो पिताजी के छोड़े हुए से या लॉटरी मिलने से जो संपदा हमारे पास आती है उसका उपयोग हमें नहीं आता, इसलिए वो आकर भी चली जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं अर्जन करे, उपार्जन करे और वो समावेशी हो। तो हम आज इस संदर्भ में कह सकते हैं कि मुसीबतों पर विजय प्राप्त करने का एक और एकमात्र सरल से सरल तरीका केवल क्या है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, और फर्म डिटर्मिनेशन से ही स्वर्ग मिलता है। That is all for today. Thank you, everybody.